तो सारी खरपतवार छटने की प्रक्रिया में है, सारी गाजर घास उखड़ने की प्रक्रिया में है, हिंदुस्तान में एमएलएम का सबसे सुनहरा युग आने की प्रक्रिया में है। आने वाले 5 साल मैं यहां बिजनौर के इस हॉल में जो 400-500 लोग हैं इनको बोलना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल उस ग्वालियर के लड़के की तरह दिन में 4 घंटे एमएलएम में दे दो, आपकी आने वाली 4 पुश्तों को काम नहीं करना पड़ेगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूं ये जितने हाथ ताली बजा रहे हैं इतने हाथों को काम करने में लगवा दे, नहीं तो इसमें से 80% तो घर जाके इनके बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। कल सुबह पहले आदमी से मिलते हैं, 2 जन नहीं बोलते वहीं से खत्म, कुछ नहीं जी पार्टी जी सब बेकार थे लेकिन सब बकवास है, होता नहीं है कुछ प्रैक्टिकल। तो आने वाला समय बहुत अच्छा समय है और मैं आपको बताता हूं सही बिजनेस में सही समय पे होना भी एक भाग्य, क्योंकि जितने लोग व्यापार करते हैं आपको मालूम होता है हर बिजनेस की एक साइकिल है। कभी सीमेंट खूब चलता है, कभी लोहा खूब चलता है, सब बिजनेस की एक साइकिल है। उस वक्त बीच में एजुकेशन का बिजनेस बूम था, जितने लोगों ने कॉलेज खोले खूब कमाए, अब जो कॉलेज खोल रहा है रो रहा है, 50% सीटें खाली जा। तो हर बिजनेस की एक साइकिल है, नेटवर्किंग की साइकिल शुरू होने वाली है। ये अब आप चक्र नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इस वक्त मत उतर जाना इस गाड़ी से। इस वक्त उतर गए तो आपके बच्चे आपको बोलेंगे कि पिताजी क्या आदमी हो, आपके साथ वो अंकल शुरू किए थे देखो कहां से कहां पहुंच गए, काश भगवान थोड़ी अकल आपको भी देता। वो तो हिंदुस्तान है करके बोलते नहीं, बच्चे मन में तो जरूर सोचते हैं। तो साथियों बहुत सुनहरा समय है, उम्मीद आसमान पे चढ़ा लो, मेहनत इतनी करो जितनी कभी नहीं की, कान को बंद कर लो कि लोग क्या कहते हैं, जैसे ही कोई बोले अरे रोज कंपनियां भाग रही है ऐसा मुस्कुराओ सामने वाला डर जाए क्या हो। मैं बता रहा हूं सामने वाला कॉन्फिडेंस से डर जाता है आपके, वो तो आप मरे मरे गरीब टाइप के जाते हो सर वो थोड़ा एक प्लान के, अरे पहले ही गरीब आया है तो तेरे को तो लात मार के भगाएंगे। अरे जो शक्तिशाली कॉन्फिडेंस के साथ जाता है जिसको अपनी चीज के ऊपर इतना भरोसा रहता है सामने वाला भी डरता है उसको कुछ उल्टा बोलने से। कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस करने का वक्त लौट आया है और जैसे ही कोई बोले अरे बेकार है सब कंपनियां भाग जाती है तो आप बोलना यही तो मैं भी बताने आया, जैसे ही कोई बोले कि ये बिजनेस बकवास है तो बोलना वही तो मैं भी समझाने आया कि बकवास क्यों, जैसे ही कोई बोले आज तक हजारों लोग इसमें डूबे बोलना एकदम सेम टू सेम जो मैं बोलना चाहता हूं वही बोल रहे हो आप। अब सामने वाला सोचेगा साला गड़बड़ क्या हुआ, मैं इसी की बुराई कर रहा हूं और ये बोल रहे हो वही सेम टू सेम आप बोल रहे हो, लास्ट में बोलेगा ये मेरे से बड़ा दूर है, ये मेरे से बड़े वाला है इसकी सुनना चाहिए। तो लोगों को सुनाने का वक्त आ गया, 5 मिनट भर में भी सुनना, सेम सेम डायलॉग है पूरे देश के किसी भी कोने में जाओ सब जगह लोग उतने मरे पिटे हैं, सभी जगह का किसी को किसी ना किसी कहीं ए ने चोट खाई तो कहीं बी ने चोट खाई, तो कहीं ए कंपनी भागी तो कहीं बी कंपनी भागी, पूरे देश में भागे हैं सब, कहीं कुछ अलग नहीं है। और खूब मुस्कुराना जैसे ही कोई बोले जैसे कि आपके पक्ष की बात बोले, जितना उल्टा बोलेगा उतना फायदे में जाओगे, ये बात याद रख लेना, इसलिए निराश मत होना क्योंकि जब वो इतना उल्टा बोल देगा तभी तो आपको उसको सही करने का मौका मिलेगा। आप उसको एक एक पॉइंट करके बताना, सर आपने पहला पॉइंट जो बताया ना कि सारे लोग किसी ना किसी कंपनी से जुड़ चुके तो शुरू करना 120 करोड़ जनता, उसमें से 3 करोड़, उसमें से 50 लाख, उसमें 20,000 में से 50 आदमी, उसका पहला पॉइंट की चिता जला, फिर दूसरा पकड़ना बहुत कंपनियां भाग गई है, राइट बोल रहे हैं सर आपका गजब का जनरल नॉलेज, बहुत कंपनी भाग गई, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं सर क्यों भाग गई सुनो। अब उसकी दूसरे प्रॉब्लम की चिता जला देना, ऐसा करके 5-6 की चिता जला देना, उस दिन के बाद वो नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा वो बात, साइनिंग कब देगा इसकी परवाह मत करना, लेकिन उसका घर झाड़ के चले आना, उसमें और गंदगी मत रहना। तो जितना उल्टा बोलेगा उतना आनंद लेना, आज जिस उल्टे से डरते हो ना सर जहां जाओ वहां लोग बोलते भाग जाएगी,
सर लोग बोलते पैसा कौन देगा, सर लोग बोलते इतना कमाती कैसे, अच्छा तू क्यों नहीं बड़ा बड़ा। तो एक एक चीज उसको समझाना, बोलेगा ये कहां से लेके आया नया। तो पूरे देश का हर नेटवर्क ट्रेनर, हर मोटिवेशनल गुरु आज बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खराब है। मैं उज्ज्वल पाटनी बोल रहा हूँ, आज से अच्छा वक्त एमएलएम का कभी नहीं। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्टार बन जाता है उसको तो सभी देख के बोल देते स्टार। जो स्टार बनने की प्रक्रिया में उसको देख के बोलोगे कि ये कल का स्टार है, तब दम की बात है। जितने लोगों ने शेयर में डील किए, शेयर कोई महंगा हो गया तो सब बोलते वाह वाह बहुत अच्छा शेयर है, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन जब वो कचरे में पड़ा हो तब अंदाज लगाओ कि ये कल महंगा होगा, इसको अभी कचरे के भाव पे लेते हैं, कल सोने के भाव पे बेचेंगे, तब वो बात। मैं अभी जब पूरे सेंटीमेंट डाउन है, मैं आपको बोल रहा हूँ एनर्जी लगाने का सबसे सही वक्त आज है। इससे अच्छा वक्त न कभी था न कभी आएगा।